आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम करने आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 10 NIOS 212 का प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल है और इस प्रैक्टिकल को बनाना है आपको बहुत साफ सुथरा। ये सॉल्व प्रैक्टिकल है मेरे पास और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है, बहुत साफ सुथरा बना हुआ है। इसको आप देख के बना सकते हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझसे परचेज करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे दे भी सकते हैं PDF फॉर्म में, और अगर आप चाह रहे हैं हार्ड कॉपी में मिल जाए तो हार्ड कॉपी में भी आपको मिल जाएगा, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बना बनाया आपको इसकी तैयारी करनी है, इसमें से आपसे पूछा जाएगा, फाइल के अंदर रखना है और अच्छे से बना के देना है। तो तजुर्बा नंबर एक है, बर्फ़ का नुक्ता है गदाखत, मेल्टिंग पॉइंट मालूम करें। मकसद है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर इस्तेमाल कर सकें, बर्फ़ का नुक्ता है गदाखत मालूम करने के लिए मुख्तलिफ आलात सेट कर सकें। आपको जिन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, किसी भी शे का नुक्ता है गदाखत और नुक्ता है इंजिमाद, फ्रीजिंग पॉइंट की कदर यकसा होती है। जब कोई ठोस अपने नुक्ता है गदाखत पर पिघलना शुरू हो जाता है तो उसकी दर्जा हरारत उस वक्त तक बदस्तूर मुस्तकिल ही रहती है। ठीक है, ये पहला पेज में, आप पहले पेज में ये लिखना है और भैया ये मैंने रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा पेज है मतलूबा सामान, क्या क्या चाहिए, ये सारा सामान आपको इसमें चाहिए। जो जो इसके अंदर सामान दे रखा है, एक बड़ा पीफ और ऊपर से 5 सेंटीमीटर कतरे वाला हो, एक वुड थर्मामीटर चाहिए, एक अदद पेकर चाहिए, एक अदद आयरन चाहिए तजुर्बे के लिए अंजाम दे। पेफ पेकर थर्मामीटर को आयरन स्टैंड में लगाए, पेकर को बर्फ़ के टुकड़ों से भर दें, थर्मामीटर को बर्फ की हर तरफ उन टुकड़ों से भर कर दें, हर एक 30 सेकंड में थर्मामीटर को रेटिंग नोट करते रहें। शुमार नंबर, वक्त, मिनट, दर्जा हरारत। ओ हाँ, एक सेकंड, ये जो दूसरा आपने कराया ना, इसके पीछे पिक्चर भी है। ये पिक्चर भैया फोटो ले लो इसका और बना लेना, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और अगर हो सका तो मैं उसमें भी डाल दूंगा, इसमें क्या कहते हैं आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो भाई तीसरे पेज पे सिर्फ ये है, और इसके बाद जो है चौथा पेज नंबर 4, तजुर्बा नंबर 2, दो बल्ब हर एक 2 वोल्ट वाले, 2 अदद डर ऑन स्विच और एक फ्यूज बतौर जरिए और अदद खुश सेलों पर मबनी घरेलू बर्फी दौर में सबब मुंसलिक है। मकासद क्या है इसके, किसी बर्फी दौर के अज्जाए तरकीबी को पहचान सके, बरकी दौर के मुताबिक कनेक्शन की तश्कील दे सकें, मुतवाजी और सिलसिलेवार इत्तिहाद में इम्तियाज कर सकें। जो कुछ आपको जानना चाहिए, अगर किसी बल्ब के सिरों पर लगने वाला पोटेंशियल वी हो तो जरिया ब्रोशर को खींचे जाने वाला करंट को यूं देखा जा सकता है, वन इक्वल टू पी वी, जहां पी की इकाई वॉट, वी के वॉट और आई की इकाई एमएम है। अगर किसी बर्की दौर में लगे हुए मुख्तलिफ बर्की आलात के जरिए सिर्फ शुदा पावर P1, P2, P3 हो तो किसी भी लम्हे कल या सिर्फ दिखाया जा सकता है P1, P2, P3। इसके बाद भाई मतलूबा सामान है 3 वोल्ट वाले वी वाले, यानी बल्ब बम होल्डर, बल्ब बजम होल्डर 2 अदद, ऑफ ऑन स्विच और कनेक्टिंग वायर का एक फ्यूज, रेग माल का टुकड़ा, 4 सेलों को सिलसिलेवार जोड़ने के लिए होल्डर सिम, 4 खुश्क सेल, 2 लीड फ्राहम करने वाली बैटरी। तरीका है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इस सेटअप के साथ मुनासिब शरह वाला फ्यूज भी सिलसिलेवार अंदाज में जोड़ दें। बैटरी पावर सप्लाई की मनफी सेलों की सिंजो SI और S2 के दूसरे सिरों से मुंसलिक करें, स्विच S1 S2 को अलग एक एक करके दाएं और मुशाहिदा करें, अपने मुशाहिदों को दर्ज करें। शुमार नंबर ये सारा दे रखा है, सारा देखना है। नतीजा, घरेलू घर की सर्किट तैयार करने का काम मुकम्मल हुआ और अब इन दोनों V2 को आजादाना तौर पर काम कर सकते हैं। और इसके बाद भाई तजर्बा नंबर आपका 3, इसमें दी हुई तरतीब
वाले खाने को नमक की आबी महलूल तैयार करना मकासिद दे रखे हैं। टिबी तराजू से महलूल सॉलिड का वजन करके खास इर्तकाज वाले महलूल तैयार। आपको जिन बातों का इल्म होना चाहिए, पानी को इफाकी महलल समझा जाता है क्योंकि ये बहुत सी अशिया को अपने अंदर हल कर लें। जो चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं उन्हें हल पजीर अशिया कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आमेजा होता है। इसके बाद भाई आगे अगला पेज है, हल हो जाने वाली अशिया की मुदामी सॉलिड कहा जाता है। 100 ग्राम मकदार में हासिल शुदा महलूल के यहाँ मतलूबा सामान, पानी वाला गिलास, पानी के नमक, पानी गिलास, पैमाई, तरीका अंजाम, ये सारी बातें इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद ये इसमें एक इमेज है, चाहे तो आप बना लें चाहे यहाँ से फोटो खींच लें, और फिर इस इमेज को आपको क्या करना भाई, बनाना है और करना, ठीक है, ये इमेज है। इसके बाद भाई आ जाते हैं हम अगले पे, पैमाइश और इस्तवा की मदद से 45 ml पानी की पैमाइश करें। नमक बराबर बेकर में पानी हल में डालें। बेकर में मौजूद अशिया को जब तक चलाएं जब तक वो पूरी तरह हल ना हो जाए। फिर उसके बाद ये इस तरह से टेबल बना देना, ऐसी सॉल्व हुई है टेबल बनाने में पड़ी है। तजुर्बा नंबर 4, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूदगी को जांच करना मकासद। हवा में CO2 की मौजूदगी का पता लगा सकें जो ज़रूरी जानकारी। जब तक तैयार करदा चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो उसे एक कैल्शियम पैदा हो जाता है और उस और बिखर हो जाता है, और ये सारी बातें इसमें लिख दीजिएगा। CO2 को चूने की पानी में काफ़ी देर तक गुजारें। पानी के कैल्शियम हाइड्राइड पानी की वजह से बेरंग होते हैं, साफ पानी बन जाता है, ये सारी बातें इसके अंदर आप लिख देंगे। इसके बाद भाई ये इमेज है, ये इमेज बना लेना, ठीक है। तरीका ये है कि बोरिंग ट्यूब या बोतल में चूने का पानी इसके मुंह पे दो सुरख वाले फिट करें और ये सारी बातें इसके अंदर आप लिख देंगे। मुशाहिदा ये है और जो चूने के भतीजे हैं नतीजा हवा में मौजूद, ये सारी बातें आप इसके अंदर भाई लिख दीजिएगा। इमेज नहीं है इसके पीछे। तजुर्बा नंबर 5 शुरू हो गया। असल में बहुत सारा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। pH पेपर की मदद से फल और सब्जियों के रस का pH मालूम करना। मकासिद, तेजाबी फल का नाम बता सकें, ये सारी बातें। मतलूबा सामान सेब, नारंगी, गाजर, टमाटर वगैरह, pH पेपर, टमाटर तो वैसे महंगा होता। तरीकाकार क्या है, सेब लें और उसे कुचल कर छान कर रस डालें, सारी बातें इसके अंदर हैं। तजुर्बा नंबर 6, इंसानी गाल के खुलियों का आर्जी, ये सारी बात आप इसमें देख सकते हैं। ये इसमें लगा दिए गए मैच। फिर अशिया इमदाद है, इसमें इमदादी अशिया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। साफ दिख रहा होगा आपको, वैसे तो बड़ी मैं क्लियर बनाने की कोशिश करता हूँ एक एक चीज़। तरीकाकार इस तरह, धुली हुई है हिलाल ने उसकी नोक को अपनी गाल के अंदरूनी लाइनिंग पर हल्के हल्के फेरे हैं, सारी बातें आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, इस माध्यम को स्लाइड पर फैला दें इस तरह से। इसके बाद भाई अगला पेज से एहतियाती तदाबीर क्या है। गाल के अंदरूनी खाल को नरमी से पुरछें, ये सारी बात है। ये करने का लिख के लिखने का है, रियल में कर मत लेना भैया, ये भी करने लिखने के लिए आया है मकासिद, आप खुद जिम्मेदार होंगे ना। सूरज की रोशनी में रहने वाली हरी पत्तियों में स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें, ठीक है। स्टार्च के समय फोटोसिंथेसिस का तरीका जो है पूरा लिखा हुआ, ज़रूरी मालूम दे रखी है। हरे पौधे में सूरज की रोशनी सी O2 और H2O अपनी ऊर्जा तैयार करते हैं। ये सारा है इसमें, ये इमेज है, इमेज लगा दें।
है। इसके बाद है इस बीकर को ट्राइपोड स्टैंड पर रखी हुई वायर को ऊपर रखें, बर्नर जलाकर पानी उबालें, इसे अपने आप को 1-2 मिनट उबालें, एक्स्ट्रा स्टूप को आधा घंटे तक अल्कोहल भर लें, और ये सारी बातें इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। पेपर और फास्फोरस की मदद से पत्ती को उसे बाहर निकालें, उसे नरम करने के लिए पत्ती को इस तरह से रखें, एहतियाती तदाबीर ये रहे, मुशाहिदा दे रखा है। तजुर्बा नंबर 8, किसी गजाई में चिकना स्टोच की मौजूदगी की जाँच, मकासी दिए रहे इसमें जरूरी मालूमात, ये सारी बातें आप इसके अंदर लिखेंगे। और इसके बाद ये सारी बातें और हैं, अशिया इमदाद टेस्ट ट्यूब में क्या क्या चाहिए, तरीका का स्टोर की जांच का तरीका, सारी बातें। तो भाई प्रैक्टिकल जो होता है ना वो लंबा होता है काफ़ी, इस महलूल को ठंडा करें और फिर ये सारी बातें, वैसा आलू को महलूल को तैयार करें और फिर इस तरह टेबल टाइप बना लेंगे, और फिर टेबल दिखाए थोड़ी सी, ठीक है, ताकि आप आसानी से उतार सकें। बस ये आखिरी पेज है इसमें, चिकनाई भी के लिए जांच करना, टेस्ट ट्यूब बनाना है इस तरह से, नतीजा और यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल है भाई, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोल्व हुआ पिक्चर के साथ दिखा दिया, आराम से बना लो देख के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, वो भी बेचारे बना लेना, और लाइक तो कर दिया करो, कंजूसी मत करो। थैंक यू।